हम बात कर रहे हैं टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन का मतलब होता है एसिड और बेस में किसी एक का आपको कंसंट्रेशन मालूम है और एक का कंसंट्रेशन पता लगाना है, ठीक है। तो बेसिक सा कंसेप्ट से आपके पास कोई भी एक एसिड हो सकता है और बेस हो सकता है जो कि आपस में रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन और आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको हम टाइट्रेशन तब बोल सकते हैं जब दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो, N1 V1 N2 V2 सेम हो, या तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो, या फिर दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मोल हो गए, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मोल हो गए, मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर NF1, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर NF2 सेम हो। तो ये हम यहां लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, M1 V1 चलिए यहां लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ गई बात समझ में, ये टाइट्रेशन का मतलब है। तो अब आगे, तो यहां आपके पास ये चीज क्लियर है कि दोनों हमारे पास सेम होंगे N1 V1 NF1 इज इक्वल टू M2 V2 NF2। यहां आपको कैसे पता चलेगा वैलेंस फैक्टर, NaOH के लिए कितना है 1, BaOH2 के लिए कितना होगा N फैक्टर 2, H2SO4 के लिए कितना होगा 2, HCl के लिए कितना होगा 1। तो ये बराबर करना है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। टाइट्रेशन का मतलब ये है कि आपको हो सकता है, मैं ये 4 पैरामीटर है 1 2 3 4, यहां पर भी 4 है 1 2 3 4, NF1 NF2 तो आप देख के बता सकते हो, तो 4 पैरामीटर में से मैं 3 पैरामीटर दूंगा और एक आपको पूछूंगा, तो न्यूमेरिकल बन गया। लेकिन हमें ये क्या पैसे से पता चलेगा दोनों के बराबर आ गए, उस समय लैंग्वेज क्या होगी, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जब ये बराबर होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट पॉइंट ऐसे समझिए कि सपोज आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तेजी से चल रही है, सामने अचानक कोई जानवर आ गया, समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे, आपको ब्रेक सामने एकदम से जानवर आया, आपको ब्रेक लगाने चाहिए यहां, लेकिन थोड़ा सा आप आगे जाओगे क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो जहां रुकना चाहिए था वो तो हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट, लेकिन थोड़ा आगे जाएगा वो हो गया एंड पॉइंट। यानी एंड पॉइंट हमेशा इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं होता, थोड़ा सा आगे होता है जाके। तो वो जानवर जैसे आया आपको यहाँ उसको ठोकना नहीं था, लेकिन इतनी तेज गाड़ी है कि आप रोक नहीं पा रहे उस जगह, वही हाल यहाँ हो रहा है। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं, थोड़ा आसपास भी हो सकते हैं। तो एंड पॉइंट का पता कैसे चलेगा हमें, जब N1 V1 N2 V2 के बराबर है तो इक्विवेलेंट पॉइंट, लेकिन पता नहीं चलेगा वो, उसको पता चलने के लिए क्या करेंगे हम इंडिकेटर मिला देंगे। तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर जैसे ही टाइट्रेशन खत्म होती है इंडिकेट करता है कलर चेंज करके, टिक 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 कि हो गई, लेकिन उस इंडिकेट होने में आपके थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, यानी एक ड्रॉप या दो ड्रॉप ज्यादा यूज हो जाती है टाइट्रेशन करते वक्त, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट, नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन इंडिकेटर इंडिकेटर चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशंस, ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये ऑफ सॉल्यूशंस ये हमारे पास हो रहा है। इंडिकेटर हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहां पर कलर चेंज कर रहे हैं। अब इसलिए हम एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट एक दूसरे के पास हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकते। एंड पॉइंट वो है जहां इंडिकेटर चेंज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट वो है जहां ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम टाइट्रेशन में ये मानते हैं कि एंड पॉइंट ही इक्विवेलेंट पॉइंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर तो हमारे पास आएगी आएगी इस तरह से कंसंट्रेशन निकालने में, आने दो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक और पॉइंट जो हमारे को यहां पता लगाना था कि हम इंडिकेटर कौन सा लेंगे, हमारे सिलेबस में चार इंडिकेटर हैं, इन चारों इंडिकेटर को आप पढ़ लीजिए। तो यहां आपके पास आएगा इंडिकेटर,
नेम, नेम थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा आपको, और पीएच किस रेंज है, पीएच रेंज, पीएच रेंज। तो ये आपके पास दो चीजें आएगी, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे को पकड़ना है, सबसे पहला मेरा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अलग अलग इंडिकेटर की क्या जरूरत है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, फिर क्या आ जाएगा, मिथाइल रेड, फिर क्या रहेगा आपके पास, फिनोल रेड, फिर कौन रहेगा सबसे लास्ट में, फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन। इसकी रेंज है 3 से 5, ऐसे याद कर लीजिए। इसकी रेंज क्या है, 3 से 5, याद हो गया। तो एक 3 से 5 है, और मिथाइल रेड की आपके पास आएगी 5 से 6, सही है। ये आपके पास आएगा 6 से 8, और ये आ जाएगा आपके पास 8 से 10। लगभग लगभग आइडिया लेता हुआ मैंने बताया। तो आप ये बताइए इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा। देखो इधर से, जो जितना बड़ा नाम है या तो वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। फिनोफ्थेलीन बड़ा नाम है, नीचे। मिथाइल ऑरेंज बड़ा नाम है, ऊपर। छोटा नाम मिथाइल रेड, फिनोल रेड, छोटे छोटे नाम है बीच में। तो मिथाइल से चालू होना 3 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हो गया रेंज। आपको समझ में आ गया, यानी अगर आपके पास जब रिएक्शन खत्म हो रही है उस समय अगर आपके पास पीएच 4 आ रही है, कितनी आ रही है 4, तो ये वाला इंडिकेटर बेस्ट है। 6 आ रही है ये बढ़िया है, या 5 आ रही है ये बढ़िया है, दोनों यूज कर सकते हो। 7 आ रही है ये बढ़िया है, 8, 9, 10 कुछ भी आ रही है ये बढ़िया है। समझ में आ रहा है, तो इंडिकेटर का सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया कि हमें कैसे पता चलेगा क्या आ रही है पीएच। अगर कोई हमें चिल्ला के बोल दे भैया 7 आ रही है, हम बता देंगे फिनोल रेड बढ़िया है। चिल्ला के बोल दे कि नहीं 9 आ रही है, फिनोफ्थेलिन बढ़िया है। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कलर कैसे चेंज होंगे। कलर चेंज का भी आपको यहां पर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जैसे ये रेड से येलो में जाएगा, ये येलो से रेड में जाएगा, वाइस वर्सा है। ये आपके पास कहां से जाएगा, येलो से रेड, ये रेड से येलो में गया था, ये येलो से रेड में जाएगा, उल्टा हो गया। ये जाएगा येलो से रेड, और ये जाएगा कलरलेस से कलरलेस पिंक, या पिंक से कलरलेस। इसका मतलब क्या है, जब पीएच 3 होगी या 3 से कम हो गई, समझना 3 या 3 से कम हो गई रेड, 5 या 5 से ज्यादा हो गई येलो। तो जब पीएच 4 होगी तब ये रेड और येलो का मिक्स कलर रहेगा। ऐसे ही 8 से कम हो गई कलरलेस, 10 से ज्यादा हो गई पिंक, 9 है मिक्स यानी लाइट पिंक, लाइट पिंक हो गया पिंक और कलरलेस का। तो ऐसे आपको कलरलेस देखना पड़ेगा। अच्छे समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, ये भी वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है। तो ध्यान से सुनना एक सेकेंड, ये वीक बेस है। तो जब 3 से कम होगी क्या होगी, 3 से कम होगी तो एसिडिक मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम में ये आयनाइज रहता है, बेस आयनाइज रहेगा तो आयन का कलर रेड है, और 5 से ज्यादा हो गई, 5 से ज्यादा हो गई तो ये बेस है, आयनाइज नहीं रहेगा, और आयनाइज नहीं रहेगा तो अनआयनाइज फॉर्म में येलो है। आयनाइज अनआयनाइज, आयनाइज अनआयनाइज, समझ में आ रहा है। ये वीक एसिड है, दोनों क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, 8 से ज्यादा जाने पे क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड, आयनाइज्ड में रेड, अनआयनाइज्ड में येलो, आयनाइज्ड में पिंक और अनआयनाइज्ड में कलरलेस, क्योंकि एसिडिक है। तो मीडियम जैसे ही एसिडिक होगा ये इस तरह से आ रहा है। तो कुछ पकड़ लिया आपने,
तो ये आपके पास बेसिक है, आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड, आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड, पता लग जाता है। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिक में वो आयनाइज होगा और लेस एसिडिक में वो अनआयनाइज होगा। बेस है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, आयनाइज अनआयनाइज। तो बताइए फिनोफ्थेलीन अनआयनाइज में क्या होगा, अनआयनाइज फॉर्म में वो रहेगा इस तरफ कलरलेस, और आयनाइज होते ही वो क्या हो जाएगा, पिंक। तो ये आपके पास छोटा सा एक डायग्राम बन रहा है। अब दूसरा, हम अभी भी इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करें, तो हमारी टाइट्रेशन हो रही है, टाइट्रेशन किसके बीच में वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइट्रेशन कुछ इस तरह से हो सकती है। टाइट्रेशन कैसे करते हैं आपको मालूम है, कभी लैब में गए हो तो मैं बता दूं, ये एक होता है इस तरह की शेप से ब्यूरेट, इसमें आप नीचे रखते हैं फ्लास्क, ये फ्लास्क में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। जनरली हम वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग में वीक नहीं मिलाते हैं, तो जो मिला रहे हैं वो ऊपर रहेगा स्ट्रॉन्ग, ये ड्रॉप वाइज गिरेगा और ये रहेगा वीक। जैसे इसका कलर चेंज करा, हम यहां से मिलाना बंद कर देते हैं, ये नल को, नल होता है एक तरह से, वॉल की तरह काम करता है, जैसे खोलेंगे ऊपर से गिरेगा, जैसे कलर चेंज होगा वॉल को बंद कर देंगे और ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिराते जाएंगे एक एक करके, तो हमारा टाइट्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, कलर चेंज होते, तो जो कलर चेंज हो रहा है वो क्या बता रहा है, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट पक्का, और एंड पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट मानते हैं, ये हमारा एजम्पशन है, इससे एरर आएगी, और उस पॉइंट को इक्विवेलेंट मानना है तो एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू, 1 2 3 4 पैरामीटर है। इसका वॉल्यूम मालूम है, इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो पता चल जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लिए, एन यहां पर नॉर्मलिटी है, एम यहां पर मोलरिटी है। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में ये रिलेशन है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंस फैक्टर होता है, और वैलेंस ही मैंने आपको बता दी है, HCl की 1 है, H2SO4 की 2 है। तो अगर आपको मोलरिटी मालूम है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो पक्का। मोलरिटी कैसे निकालते हो, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल कैसे निकालते हो, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो मैं आपको दूंगा ही, खत्म, सब कुछ हो गया, सब कुछ आपके सामने है। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर चार्ट, तो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर चार्ट में आपके पास सबसे पहले कौन सी टाइट्रेशन आप करना पसंद करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, सही है। तो जो बाद में लिखा जाता है वो ऊपर होता है, वो कहां होता है, ऊपर, और जो पहले लिखा जाता है वो कहां होगा, नीचे, और पीएच इंडिकेटर ये होता है यहां। तो बताइए शुरुआत में पीएच कितनी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की, एक, एक होगी, तो शुरुआत में पीएच कितनी होगी, ये पीएच स्केल है, एक, और अचानक बढ़ के कहां हो जाएगी, 14, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये आपको बताना है इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा, क्या NaCl बनते वक्त, ये मान लीजिए HCl स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, NaCl बनते वक्त बफर बनता है या नहीं बनता, नहीं बनता, चार्ट सीधा ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से, शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा तेजी से जाए। जब NaCl बनेगा, सिर्फ NaCl रह जाएगा, तब पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, 7 पक्का। तो यहां से यहां होने में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, मुश्किल से 2 ड्रॉप का अंतर आ रहा है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो, कोई सा भी, क्योंकि यहां पीएच कितनी थी, 1, और यहां पीएच कितनी नहीं है, 13, तो 1 से 13 के बीच में कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, ऑल इंडिकेटर, ऑल इंडिकेटर, कोई सा भी यूज करो काम चल जाएगा, सब कलर चेंज कर देंगे क्योंकि इसके बीच में। दूसरा लेते हैं, कौन सा लेना चाहते हो, वीक एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस, यानी नीचे तो आपने क्या भर रखा है, वीक एसिड, और ऊपर से क्या करोगे, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी स्ट्रॉन्ग है जनरली ऊपर रखो। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया या एसिड हो गया जनरली, तो स्ट्रॉन्ग ऊपर से गिरा रहे हो, कर्व कैसा बनेगा, नीचे क्या है, वीक एसिड, पीएच कितनी होगी वीक एसिड की, 3-4, बफर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, कौन सा बफर बनेगा, वीक एसिड से, एसिडिक बफर। तो आपके पास मान लीजिए यहां पर 3-4 है, तो बफर जो बनेगा वो 4 से 5 के बीच में बफर बनेगा, तो ये 4 से 5 के बीच में बफर बन गया, तो ये बहुत धीरे चलेगा, ये बफर है, बफर में पीएच बहुत तेजी से चेंज नहीं होती, फिर अचानक क्या होगा, चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। तो आप ये बताइए फिर कहां तक पहुंचेगा ये 13, चालू कहां से हुआ था, 4 के आसपास से, और खत्म कहां होगा, 13-14 के बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो। तो आपका जो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा वो बफर के बाद, मतलब कहने का मतलब है बफर के बीच में कभी सेलेक्ट नहीं करते इंडिकेटर, इंडिकेटर कहां सेलेक्ट करते हैं, जब कर्व सीधा पकड़ रहा हो, जब, तो यहां पीएच कितनी आएगी, 8-9, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, फिनोफ्थेलिन, इंडिकेटर कौन सा बेस्ट रहेगा इस जगह, ये आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, इंडिकेटर बेस्ट कौन सा रहेगा, बफर में कभी भी इंडिकेटर मत ले लेना क्योंकि बहुत स्लाइड ऐसे चल रहा होता है, तो कौन अच्छा है, फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन आ गया समझ में। एक को टाइट्रेशन करते हैं, कौन सा लेना चाहते हो आप, सामने देखो, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, पीएच कहाँ है होगी, 9-10, 9 मान के चलो, 14 है ना, ये 14 है तो मान के चलो 9 के आसपास होगी, बफर बनेगा या नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला के, वीक एसिड में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं बफर बनता है, बफर में मैं बता चुका हूं, तो जब बफर बनेगा तो वो बफर की पीएच क्या होगी, बेसिक बफर कहलाएगा, और बफर, बेसिक बफर की पीएच होगी लगभग 8 के आसपास, 8 के आसपास, तो बफर बनेगा, ये बफर बना, ये बफर बना, और अचानक ऐसे गिरेगा, लेकिन ये पता है कहां से गिरना चालू करेगा, ये अब बताओ इस जगह गिर के कहां जाएगा, ये लगभग पीएच 1 के आसपास, इंडिकेटर कहां यूज करोगे, बफर में तो करना ही नहीं है, नीचे करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा जल्दी से बोलो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बेस्ट रहेगा, सेकंड बेस्ट कौन होगा इसके लिए, मिथाइल रेड, और ये दोनों इसके लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बहुत एरर आएगी, सबसे कम एरर आएगी इसमें, उसके बाद इनमें, फिर उसके बाद इसमें, और सबसे ज्यादा एरर आएगी इसमें, तो आप सबसे कम एरर वाला लेने की कोशिश करो, ये समझ में आ गई बात। अब आ रहा है एक और टाइट्रेशन जो है वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक बफर ही बना रहता है, जब शुरू से लेकर लास्ट तक बफर बना रहता है तो कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कोई भी नहीं, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, मान लीजिए ये 4 है, मान लीजिए ये 8 है, बस ऐसे चलेगा, ये बफर बना रहेगा, अब बताओ कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कोई भी नहीं, नथिंग, नो एनी बफर, तो ये टाइट्रेशन की जानी चाहिए, नहीं, ये करी जा सकती है, ये करी जा सकती है, हाँ उतार लीजिए इसको, करिए इसको। देखो यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो भी एक तरह से वीक एसिड वीक बेस की तरह सॉल्ट बना लेते हैं, क्योंकि होते हैं वीक एसिड वीक बेस है तो वो भी कहीं ना कहीं बफर सॉल्यूशन जैसा ही कुछ बनाते हैं, और उनके लिए भी पीएच, अगर वीक एसिड है इंडिकेटर तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच की वैल्यू हो जाएगी पी के आई एन,
प्लस लॉग एच सॉल्ट अपॉन बेस, यही होता है आई एन माइनस अपॉन एच आई एन, अगर इंडिकेटर एसिडिक है, और अगर इंडिकेटर बेसिक है तो क्या हो जाएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के आई एन इंडिकेटर प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, यानी इस जगह आपके पास आएगा आई एन प्लस अपॉन आई एन ओ एच, या तो इंडिकेटर एसिड होगा या इंडिकेटर बेस होगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, एक तरह से देखा जाए तो ये के का काम करेगा और ये के बी का काम करेगा, पी के बी, तो यहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये आई एन यानी आधा आयनाइज और आधा अनआयनाइज, यानी हाफ आयनाइज हाफ अनआयनाइज रहेगा, तब आपके लिए बेस्ट टाइट्रेशन पॉइंट होगा, बेस्ट एंड पॉइंट होगा। इसीलिए एग्जामिनर कहता है कि मुझे डार्क पिंक कलर नहीं चाहिए फिनोप्थेलिन में, ना कलरलेस चाहिए, मुझे बिल्कुल लाइट पिंक चाहिए। आ गई बात समझ में? इसलिए जब भी टाइट्रेशन करा जाता है तो अगर सपोज पहली वाली रीडिंग 21 ml आ रही है तो दूसरी वाली रीडिंग 21 से कम आएगी, क्योंकि आप पहली बार जल्दीबाजी में करते हैं तो एक ड्रॉप ज्यादा डलती है, कम कभी नहीं डलती है। तो पहली वाली अगर 21 है तो बाकी की दो रीडिंग आपकी 20-20 आनी चाहिए, पहली वाली अगर 23 है तो दूसरी रीडिंग 22-22 आनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए दोनों ड्रॉप के बीच में, और आपको इतना आईक्यू काम करना चाहिए। ठीक है, इन सबको लिखें।